हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मासूम राठौर है और आप देख रहे हैं टेक्निकल गैजेट। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम के बारे में। ये जो फ़ोन है वो बहुत अच्छा फ़ोन है, इसको लेना है एक ब्रांड फ़ोन। सैमसंग ने बहुत अच्छा फ़ोन लॉन्च किया है बिकॉज इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और मैं लास्ट में प्रो और कॉन दोनों बताऊँगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले मैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात किए जाए तो आपको सामने 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले मिलेगा जो एक बहुत अच्छा स्क्रीन है बिकॉज ये है 401 PPI के साथ। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊं तो ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये है 2.5D कर्व्ड ग्लास जो एक बहुत स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है ये। और फ्रंट की ओर यहाँ पे मिलेगा आपको 5 MP का रियर शूटर कैमरा और यहाँ पे मिलेगा आपको सैमसंग का टिपिकल लोगो। और अगर आप देखेंगे तो एक होल ग्लास दिखता है, पूरा का पूरा ग्लास, मगर अगर आप बटन टैप करेंगे तो आपको एजेस दिख जाएंगे। और नेक्स्ट मैं इसकी सामने की बात करूँ, जो ये होम बटन है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहाँ पे 2 टच के कैपेसिटिव बटन्स है। अब मैं पीछे की बात की जाए तो यहाँ पे 13 MP रियर शूटर कैमरा है जिसका अपर्चर है 1.9 जो S6 में मिला था और J7 2016 में भी मिला है। यहाँ पे एक LED फ्लैश है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एजेस दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या ये एजेस? हाँ, अगर आप देख सकते हैं तो। और बहुत प्रीमियम लुक देता है अगर आप इस फ़ोन को चलाएंगे तो। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं एक पिक्चर क्लिक करता हूँ, कोई भी पिक्चर, मैं इसके बैक कवर की पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ और आपको सही में लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, इसका कैमरा वैमरा सब बहुत अच्छा है। ओके, और अब मैं दिखाता हूँ, ये है उसकी एक पिक्चर, बहुत अच्छी आई है। अगर मैं दूसरे फ़ोन से कंपेयर करूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक और पिक्चर मैं लेता हूँ, एक सेल्फी लेता हूँ मैं। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है मेरी सेल्फी जो मैंने अभी खींची, तो बहुत अच्छा और बहुत देता है क्लियर इमेज। तो इसका एक कैमरा बहुत अच्छा है और इसका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, अब मैं इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो 1.6 GHz का ऑक्टा कोर चिपसेट है और इसका जो GPU है वो है Mali-T830 और इसमें जो CPU यूज़ हुआ है वो है एक्जीनोस का, सैमसंग एक्जीनोस 7870। तो ये गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है। 16 GB आपको इंटरनल मिलेगा इसमें और 3 GB की रैम मिलेगी, फिंगरप्रिंट मिलेगा, बहुत सारे सेंसर मिलेंगे। तो एक तरह से ये फ़ोन बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो लुक देता है प्रीमियम लुक है बहुत, मतलब आप पकड़ेंगे जब अपने हाथ में, खुद आएगा थोड़ा मतलब महंगा फ़ोन पकड़ा है क्योंकि ये 18,000 rupees का फ़ोन है। अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं तो 18,500 के अंदर ही आपको मिल सकता है ये फ़ोन। मैं इसके एडवांटेज बता रहा हूँ। एडवांटेजेस है इसका कैमरा बहुत अच्छा है, डे लाइट में बहुत अच्छा देता है, लो लाइट में भी बहुत अच्छा देता है। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि अपर्चर दिया है वो भी f/1.9 का, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये है, इसका स्क्रीन है इतना क्रिस्प डिस्प्ले है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बहुत। और नेक्स्ट मैं यूज़ करके बताऊँ तो एकदम स्मूद, बहुत स्मूथ, बहुत मतलब चलाने में खुद आपको मज़ा आएगा। और इसमें मार्शमेलो मिलता है आपको तो अच्छी बात है, और हो सके नेक्स्ट आपको नोगट मिल सके इसमें। और नेक्स्ट बात करूँ, मैं कैमरा बता दिया, डिस्प्ले बता दिया, एक और एडवांटेज बताऊँ, ये प्योर मेटल है तो ये आपको बहुत अच्छा है कि गिर विर जाए ना तो नहीं होता। और 2.5D कर्व्ड ग्लास मिला है उससे तो और आपकी स्क्रीन प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। तो 3 एडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ। इसमें जायरोस्कोप सेंसर नहीं है तो आप वर्चुअल रियलिटी का मज़ा नहीं उठा सकते, ये एक था। और इसमें आपको एक और डिसएडवांटेज बोलना चाहिए कि आपको जो ऑटो ब्राइटनेस सेंसर है वो इस फ़ोन में नहीं मिलेगा, मगर इसमें सैमसंग ने ये आउटडोर करके एक फीचर लाया जैसे आप आउटडोर को टच करोगे तो ये फुल हो जाएगा। और जैसे कि मुझे जैसे आउटडोर, जैसे कि ये कम है और मेरे को सिर्फ क्या करना है, ये आउटडोर का बटन क्लिक करना है बस। इसे फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, इसमें सिर्फ आउटडोर का बटन क्लिक किया, आउटडोर
के लिए आप कर सकते हैं। तो एक हिसाब से अच्छा है, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये दूसरी डिसएडवांटेजेस, और अगर मैं बताऊँ इसकी डिसएडवांटेज, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मगर उतनी भी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ये कंपनी फ़ोन है, ब्रांड फ़ोन है, तो आपको ले लेना चाहिए। तो मेरी ओपिनियन ये है, ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत हैवी गेम्स नहीं खेलने हैं, वो और ज़्यादा मल्टीमीडियाज भी आप कर सकते हैं बिकॉज इसका स्क्रीन बहुत अच्छा है, और जिसको वीआर का मज़ा नहीं चाहिए तो ये बहुत परफेक्ट फ़ोन है, जिसको एक वीआर का मज़ा भी नहीं चाहिए मगर एक ब्रांड फ़ोन चाहिए तो ये बहुत अच्छा फ़ोन है। फिंगरप्रिंट है, 3GB रैम है, 16GB इंटरनल है, तो उस हिसाब से ओवरऑल बहुत अच्छा है, कैमरा भी बहुत अच्छा है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, तो मेरे तरफ से तो ये फ़ोन फुल्ली रिकमेंड है, तो आप ले सकते हैं अगर आपको ब्रांड फ़ोन चाहिए तब। अगर आप नहीं, अगर आप दूसरे ब्रांड के साथ जा सकते हैं तो आप लेनोवो का Z2 ले सकते हैं। मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि Z2 ले सकते हैं, मगर जिसको चाहिए ब्रांड फ़ोन तो ये वो ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में, लिखिए अपने क्वेश्चंस, और अगर ये वीडियो आपको सही में अच्छा लगा तो नीचे में रेड कलर से व्हाइट कलर लिखा है सब्सक्राइब, जाके वहाँ क्लिक कीजिए, और भी मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।